Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. Another new day has been added to our lives. और एक और नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है. Let us begin our day by being silent in the presence of the Lord to hear His voice. और होने दे हम अपने दिन की शुरुआत को करें कुछ समय शांति में परमेश्वर के साथ उसकी वाणी को सुनने के द्वारा. Remember, His voice is heard from His word. और याद रखिए उसकी वाणी उसकी आवाज को हम सुन सकते हैं उसके वचन के द्वारा. Today's meditation is a continuation of our last meditation on last Saturday. और या आज का जो हमारा मनन है वो हमारा आगे का भाग है जो शनिवार को हमने पिछले शनिवार को जो मनन शुरू किया था उसी का आगे का भाग. You remember the text from Revelation chapter 21. और अगर आपको याद हो जो वचन हमने लिया था वो था प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय. In verses 5 and 6. उसके पांचवें और छठे वचन में यूं लिखा है. There are four things God said in this passage. चार बातों को परमेश्वर कहता है. And they are. और वो है. Number one, He is able to make all things new. पहली बात कि वो योग्य है कि हर एक बात को नया बना दे. Number two, we are to take these words and remember them. Because they are true. और हमें इन वाणी इन शब्दों को लेना है और याद रखना है क्योंकि ये सत्य हैं. Number three. और तीसरी बात. Jesus also said, "I am Alpha and Omega, the beginning and the end." और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही आदि और अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ. And the fourth thing he said was. और चौथी बात उसने कही वो ये. To him who is thirsty, I will give to drink. Without cost from the springs of the water of life. और उसने चौथी बात ये कही कि वो जो प्यासा है उसे मैं जीवन के सोते से पीने को दूंगा. Of these four, we have already considered the first three. और इन चार बातों में से जो पहली तीन बातें हैं उनका अध्ययन हमने कर लिया है. So today we shall meditate the fourth one. और आज की सुबह हम चौथी बात के ऊपर अपने मनन को रखेंगे. God's wonderful promise. Of giving living water from the living spring. और परमेश्वर का अद्भुत वादा कि वो एक जीवित जल को अपने जीवित जल के सोतों से हमें देगा. Springs of water of life. और वो पानी जीवन के झरनों का पानी. And let us look into this saying. और आइए इस वचन की ओर हम देखेंगे. To him who is thirsty, I will give to drink without cost. From the spring of water of life. मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा. There is nothing more magnificent than this description of God. और इससे अद्भुत और अच्छा कोई और विवरण परमेश्वर का हम कहीं और देखते नहीं. Sometimes it seems God is far removed from us. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर चला गया है. And removed at such a distance that we are like flies sitting on a window pane. और इतना दूर हमसे वो चला गया है कि मानो हम छोटे से मक्खी के समान हो जाते हैं. And we feel we are so insignificant creatures. और हमें लगता है कि हम ऐसे जीव हैं जिनका कोई मूल्य ही नहीं. The psalmist felt it. और जो भजन रचने वाला था उसे भी ऐसा महसूस हुआ. Because David in Psalm number 8 says. क्योंकि दाऊद अपने भजन 8 में इस बात को कहता है. When I consider your heavens, O Lord. जब मैं तेरे स्वर्ग का विवरण और उसकी ओर देखता हूँ. The work of your fingers. जो तेरे हाथों से बनाए गए हैं. The moon and the stars. और चांद और सितारों को देखता हूँ. Which you have set in place. जिन्हें तूने अपने स्थानों पर उन्हें लगाया है. When I think of this. जब मैं इन बातों के बारे में सोचता. What is man that you are so mindful of him? तो मनुष्य क्या है जो तू उसके बारे में इतना सोचता है? The son of man that you are mindful of him. और ये मनुष्य का पुत्र कि वो तेरे ध्यान में बना रहता है. Compared to this magnificent creations. और जब उसकी तुलना इस अद्भुत सृष्टि से की जाती है. The sun, the moon, the stars and other planets. और ये सूरज, ये चांद, ये सितारे और जो दूसरे ग्रह हैं. David, the psalmist felt, what is man?
क्योंकि भजन रचने वाले को इस बात का महसूस हुआ कि ये सच में मनुष्य है क्या? Is made of dust. क्योंकि उसे मिट्टी से बनाया गया. And dust is he, and he will return to dust. और मिट्टी से ही वो बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा. And yet God considers man as the crown of his creation. लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य को अपनी रचना का ताज समझता है. Is there any hope for man? क्या मनुष्य के लिए कोई आशा है? In regard to God. Look at the Psalm 8 again. क्या मनुष्य के लिए ऐसी इस परिस्थिति में कोई आशा है? आइए हम भजन संगीता 8 की ओर देखें. What comes next? और आगे क्या आएगा? You, O God, made him a little lower than the heavenly beings. तूने परमेश्वर उन्हें स्वर्गीय वस्तुओं से और स्वर्गीय स्वर्ग के लोगों से कुछ नीचा ठहराया. And crowned him with glory and honor. और उसे महिमा और ज्योति के ताज से विराजमान कर दिया. You made him ruler over the works of your hands. और तूने उसे अपने हाथ से बनाए गई हर एक संग रचना के ऊपर नियुक्त कर दिया. You put everything under his feet. और तूने हर एक बात को उसके पांवों तले कर दिया. Think of God's actions. और परमेश्वर के कार्य के बारे में हम सोचें. Considering other creations, man is nothing. और दूसरी सृष्टि को देखते हुए मनुष्य कुछ भी नहीं. And yet, लेकिन फिर भी, God honored the crown of His creation, which is man, by doing something. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य का आदर किया जो कि उसकी सृष्टि का ताज है कुछ करने के द्वारा. He did not make any of these mighty angels to rule over these creation. और उसने कोई बड़े सामर्थी स्वर्गदूतों को नहीं बनाया कि वो परमेश्वर की सृष्टि पर राज्य करें. But psalmist says, लेकिन भजन लिखने वाला कहता है, You have made this man who seemed to be so insignificant the ruler over all your creation. भजन रचने वाला कहता है, तूने इस मनुष्य को जिसका कोई मूल्य ही नहीं इस सारी सृष्टि के ऊपर राज्य करने Everything that your hands have made. हर एक वो बात जो तेरे हाथों ने बनाई. You put everything under the feet of man. तूने हर एक बात को मनुष्य के पैरों तले कर दिया. See, by making man the ruler or the king who exercises authority over all of the creation. और मनुष्य को बनाने के द्वारा जो पूरी सृष्टि के ऊपर राज्य करता है. God exalted man who is made of dust to a point where all of the creations look up to man as someone great. तो इसके करने के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को दूसरी सृष्टि और दूसरी रचनाओं के ऊपर ठहरा दिया कि सारी दूसरी रचनाएं मनुष्य की ओर देखें. Now look at our text in Revelation. और हम अपने वचन की ओर देखें प्रकाशित वाक्य में. To the thirsty I will give water without cost. और वो जो प्यासा है उसे मैं जल के सोते से पिलाऊंगा. From where? कहां से? From the fountain of water of life. और मैं उसे पिलाऊंगा जीवन के झरने से. Which shall springs up like well from within man. जो कि उस मनुष्य के भीतर से कुएं के समान बन जाएगा और वो पानी उसके अंदर से बहना शुरू हो जाएगा. This is what Jesus told the Samaritan woman. और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा. It will spring up like a well from within those who choose to come to God and ask for the water. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी उस सामरी स्त्री से यही कहा कि तेरे भीतर ये जीवन का जल बहना शुरू हो जाएगा और बहुतायत से तुझे भर के तेरे द्वारा बहना शुरू हो जाएगा. The water I give और जो पानी मैं तुझे दूंगा shall become like a well of spring of well from within you. वो तेरे भीतर एक कुआं के समान बन जाएगा. To eternal life. एक अनंत जीवन के लिए. My friends, this is the most glorious thing. और मेरे मित्रों, ये सबसे महिमामय बात है. That when man look at himself. जब मनुष्य खुद को देखता है. And then lift up his eyes and look at other creation. और अपनी आंखों को उठाकर दूसरी सृष्टि को देखता है. Man seems to be so small and insignificant. मनुष्य तो कितना ही छोटा और अयोग्य दिखता है. And yet,
look at what God has done for man. लेकिन फिर भी देखिए कि क्या परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किया है. Man is created for eternity. और याद रखिए मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया अनंत काल के लिए. And how? कैसे? As a ruler. एक राज करने के लिए. Now this is a great mystery. और यही एक बहुत रहस्य है. A man who became rebel. एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ. An enemy of God. और परमेश्वर का शत्रु बन गया. The same man today. और वही मनुष्य. Has been exalted by what God has done for him. उसी मनुष्य को परमेश्वर ने ऊंचा उठा दिया वो करने के द्वारा. In order to redeem him. ताकि परमेश्वर उसे छुटकारा दिलाए. And be reconciled with God. और ताकि उनका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए. God send His own Son Jesus Christ into this world. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया. The highly exalted one. वो जो सबसे ऊंचे में विराजमान है. Came to the lowest. और वो सबसे निचले स्तर पर आ गया. To exalt man and lift him up. ताकि मनुष्य को ऊंचा उठा दे. And given him a position as ruler. Over all his creation. दे दिया कि जा तू राज्य कर हर एक उस बात को जिसे मैंने बनाया. So not only this Jesus saved us from our sin and ruin. और इसीलिए यीशु ने ना केवल हमें उस पाप की मंजिल से बचाया. But destined us to rule with him for all his works. लेकिन हमारे लिए नियुक्त कर दिया कि हम उसके साथ राज्य करें उसके सारे कार्यों के ऊपर. That is why we must shout. और इसीलिए हमें चिल्लाकर इस बात को कहना है. Glory. और महिमा. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise be to the one who alone is worthy to be praised. और सारी महिमा उसी को मिलने पाए जो पूरी महिमा के योग्य है. In your own eyes. Perhaps you are nothing. और हो सकता है आपकी खुद की नजरों में आप कुछ भी. But in God's eyes. लेकिन परमेश्वर की नजरों में. You are the most precious things He ever created. याद रखिए आप सबसे बहुमूल्य वस्तु हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया. It is for you that He gave Himself. ये तो अपने लिए ही परमेश्वर ने आपके लिए ही खुद को दे दिया. Shed his blood. अपने लहू को बहाया. Broke his body. अपने देह को तोड़ा. That through his sacrifice. ताकि उसके बलिदान के द्वारा. We are redeemed. हम बचा लिए जाए. And exalted. और ऊंचा उठा लिए जाए. This is what God has done for. और इसी बात को परमेश्वर ने हमारे. Is there anything else that He will not do for you? क्या कोई ऐसी दूसरी बात है जो हमारे लिए वो नहीं करेगा? No. नहीं. He will do. वो हर एक बात को करेगा. Amen. Amen. Trust Him. परमेश्वर पर भरोसा. This is a great day. ये एक अच्छा दिन है. Live to glorify Him. और आप इस दिन में जिए कि परमेश्वर. And have a great day. और एक अच्छा दिन आपका. Serving God. परमेश्वर की सेवा करते हैं. And thus glorify Him. और उसकी महिमा देते हैं. Amen. Amen. God is good. परमेश्वर भला है. Heavenly Father. स्वर्गीय पिता. I pray for everyone who listen. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस मनन को सुनता है. That everyone shall be encouraged. ताकि हर एक प्रोत्साहित हो जाए. And be strengthened and blessed. और उत्साहित बलवान हो जाए. And get excited about our position in Christ Jesus. और उत्साहित हो जाए जो स्थान तूने प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया है उसके प्रति. From slaves to sin and ruin. अरे उस दास से निकाल कर तूने हमें राज्य करने के लिए. Exalted to be kings. और ऊंचा उठाया कि हम राजाओं के रूप में राज्य. And priest. और वो याजकों के समान. To rule with you. ताजे संग राज्य करे. This is your mercy. और ये तेरी दया. This is your greatness. और ये तेरी महानता. And we thank you. और हम तेरा धन्यवाद. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen.